हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या और क्या हमें म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, पैसा क्या आखिर म्यूचुअल फंड में कितना सुरक्षित रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, आखिर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा सुरक्षित रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। ठीक है, म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक का सही या फिर किसी भी चीज़ का सही, ठीक है, वो एक स्कीम होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में है क्या, जैसे कि हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, पर उनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि आखिर उस कंपनी के जो शेयर हैं वो डाउन जाएंगे, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। ठीक है, अब ऐसे में कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे बजाज की सही, चाहे टाटा की सही, या फिर जियो के भी सही, या फिर कोई रिलायंस कंपनी की सही, या फिर कोई अन्य कंपनी भी हो सकती है। अब ऐसे में यह है कि आखिर हम अपने पैसे को निवेश करें तो आखिर कहाँ करें, हमें सही जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और ऐसे में हमें उन शेयर के बारे में या फिर उस कंपनी के बारे में सही जानकारी नहीं है तो हम अपना पैसा गवा देंगे। कहने का मतलब है, हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं ऐसे, और ऐसे में वो शेयर की जो वैल्यू है वो एकदम गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं शेयर की वैल्यू इस समय 10 रुपये है और हम उस शेयर को खरीद लेते हैं, उसके बाद में जो वैल्यू है वो घटकर 8 रुपये या फिर 2 रुपये भी रह जाती है। तो ऐसे में यह है कि हमारा नुकसान ही हुआ है वहाँ पर। तो ऐसे में यह है कि इस प्रकार से अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो वो पैसों की जो वैल्यू है वो घट जाएगी और हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि हमें कोई सही गाइडेंस या फिर हमें सही जानकारी पता नहीं होती है। अब ऐसे में होता है एक म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे कि SBI का सही या फिर PNB बैंक का सही, ऐसे में यह है कि अगर हम SBI का एक म्यूचुअल फंड मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि SBI में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। अब उन म्यूचुअल फंड के अलग अलग एक जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, ठीक है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं कि आखिर इस कंपनी के जो शेयर हैं वो घटेंगे या बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर कोई दूसरी कंपनी के सही, या फिर वो इस चीज़ के बारे में हमेशा लगातार वो इस चीज़ की पढ़ाई किए हुए होते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ की डिग्री लिए हुए होते हैं और उस चीज़ के बारे में उन्हें पूरी तरीके से जानकारी होती है, फिर उसके बावजूद भी वो लोग धोखा खाते हैं। ठीक है, अब वो धोखा किस तरीके से खाते हैं मैं चलिए आपको बताऊंगा कि आखिर आपको ये तो समझ में आ गया कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, यानी कि जो हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और वही म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो भी शेयर खरीदेगा किसी भी कंपनी के, पर उसे इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि ये कंपनी इस समय से इतने समय तक यहाँ पर इतना ग्रोथ कर चुकी है और आगे भी लमसम इतना यहाँ पर ग्रोथ करेगी, तो वो एक यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होता है कि ये कंपनी का वर्क है वो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फंड मैनेजर है वो उन कंपनियों में यहाँ पर पैसे लगाता है। ठीक है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं, अब वो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपनी वहाँ पर कमीशन ले लेता है, जैसे कि 1% के हिसाब से 100 रुपये पे, न सॉरी 1000 पर 1% के हिसाब से, ठीक है, इस तरीके से वो ले लेता है। ठीक है, या फिर 1000 पर 10,000 रुपये की परसेंटेज ले लेता है वो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो अपनी परसेंटेज ले लेता है। उसके बाद में अब वो पैसा आपका निवेश हो जाता है उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में 1,00,000 वहाँ पर जमा किए, अब 1,000 रुपये हैं, उसने फंड मैनेजर ने यहाँ पर 1% के हिसाब से उसने अपनी कमीशन काट ली, अब वहाँ पर रुपये बचे 99,000, अब उन 99,000 रुपये को वो क्या करेगा फंड मैनेजर, वो अलग अलग कंपनियों में लगाएगा, कम से कम 10 कंपनियों में। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि 3 कंपनियों ने लॉस कर दिया, ठीक है, 3 कंपनियों ने लॉस कर दिया, अब ऐसे में बची कंपनी 7, अब 7 में से 3 कंपनी उस लॉस को यहाँ पर रिपेयर करेंगी, बची कितनी कंपनी 4, अब 4 कंपनी को जो प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फंड मैनेजर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आपको सबसे पहले तो अगर आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 10 कंपनियों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आखिर ये 10 कंपनी किस तरीके से काम कर रही हैं और इनके जो शेयर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि घट रहे हैं बढ़ रहे हैं,
तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो फंड मैनेजर होता है उसका सिर्फ यही काम होता है कि आखिर कौन किस समय कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है, किस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, किस कंपनी के घटने वाले हैं। अगर कंपनी के शेयर घटने वाले हैं तो वो पैसे को वहां पर निकाल लेगा उस कंपनी से। तो ये चीज़ों को लेकर वो फंड मैनेजर होता है वो काम करता है, और इसी को एक हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा तब निवेश करते हैं जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर के बारे में या फिर हमें किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे को लगा देते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो पैसे को लगाएगा, ठीक है, यानी कि हम उसके ऊपर उसे दे देते हैं कि भाई जाओ आप इस पैसे को यूज करो, ठीक है, और उसके बाद में जितनी भी कमाई हो वो हमें 2 लाख की फ्री, ठीक है, क्योंकि हम उसकी कमीशन दे रहे हैं उससे, ठीक है, और वो कमीशन इसी बात की यहाँ पर कमीशन ले रहा है। ठीक है, तो आप ये तो समझ गया कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या है। अब म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं, ठीक है, तो आखिर एग्जाम्पल के तौर पर हम वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं वहाँ पर हमने 1 लाख रुपये जमा किया। मैंने आपको बता दिया है 1 लाख पर अगर 1,000 रुपये फंड मैनेजर ले लेता है, और एग्जाम्पल के तौर पर 1 साल के बाद हम उस पैसे को निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल तक अगर आप पैसे को पहले निकाल लेते हैं 1 साल से तो आपको 15% गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से बाद में निकालते हैं पैसे को तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और 1 साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसे को निकालते हैं 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर तो वो आपको वहाँ पर 10% टैक्स देना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं हमने उसमें 1 लाख रुपये जमा किया, 1 साल बाद उसने रिटर्न दिया 50,000 हमारे उसमें बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसे में हम उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपको 1 लाख की तो वहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है, 1 लाख की वहाँ पर छूट मिल जाएगी, बचा आपका 50,000। अब 50,000 में आपको 10% भरना होगा तो आपको 5,000 रुपये आपको सरकार को देने ही होंगे, ठीक है, बाकी के बचे 45,000, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अब ऐसे में लॉस कब होता है, ठीक है, तो लॉस तब होता है जैसे कि फंड मैनेजर है वो पैसे को वहाँ पर जमा करके नहीं रख सकता, ठीक है, जैसे ही आप पैसा फंड में लगाएंगे वो पैसों को अलग अलग कंपनियों में लगा देगा, ठीक है, उसका यही काम होता है। अब वो पैसे को वहाँ लगा देगा, अब ये तो हमें पता हो गई कि आखिर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, पर एक्चुअली में फंड जो म्यूचुअल फंड है क्या उसमें भी लॉस हो सकता है कि हाँ या ना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ हाँ लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लॉस किस कंडीशंस में होगा वो भी मैं चलिए आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जल्दी इसमें लॉस होता नहीं है, ठीक है, लॉस तब होता है जैसे कि जो फंड मैनेजर है वो पैसा तो आपका लगा देगा अलग अलग कंपनियों में, ठीक है, अब ऐसे में जैसे कि वो सारी कंपनियां बंद हो जाए, ऐसे में अगर शेयर बाजार है वो बंद हो जाए तब ऐसे में जो आपका पैसा है वो वहां पर डूब जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कोविड जब 19 लगी थी तो पूरा भारत लॉक हो गया था, ठीक है, ना तो कोई कंपनी चल रही थी और ना कोई कारखाने, ना तो कोई काम चल रहा था, तो ऐसे में यह है कि जो कंपनी के शेयर की जो वैल्यू थी वो वहां पर घट गई थी, ठीक है, तो ऐसे में यह है कि जो शेयर मार्केट है जो शेयर बाजार है वो ऐसे में क्रॉस हो जाता है, तो जो शेयर की वैल्यू है और जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो एकदम डाउन हो जाती है। ऐसे में यह है कि जो फंड मैनेजर होता है जो फंड जिन लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ होता है वो यहाँ पर पैसे को निकालने लगते हैं। अब ऐसे में यह है कि पैसा यहाँ पर डूबने के चांसेस होते हैं। अब ऐसा हमेशा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कि जो शेयर बाजार है वो यहाँ पर क्रॉस हमेशा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो इसमें रिटर्न है वो हमेशा एफडी से बढ़कर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के यहाँ पर मन में ये सवाल होगा कि आखिर इसमें पैसा मिल कितना सकता है, ठीक है, तो इसमें पैसे की कोई वो नहीं है कि आखिर आपको कितना पैसा का यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो भी आप एफडी कराते हैं जैसे कि 1 लाख रुपए की अगर आप एफडी कराते हैं तो वहाँ पर आपको 7% 8% मिल जाएगा, ठीक है, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको एफडी से हमेशा बढ़कर ही रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या है, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, इसी के साथ में क्या हमें इसमें नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, और आपका कोई भी सवाल है कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।